नमस्कार, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लेकर आए हैं लव राशि फल। अगर आप लव लाइफ में काफ़ी परेशान हो गए हैं, आप किसी को बेइंतहा प्यार की है और वो व्यक्ति बदल गया है, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि सडनली चेंज हो जाएगा उसका आपके प्रति व्यवहार, और आज आप रो रहे हैं या फिर उसका वेट कर रहे हैं समथिंग 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, या 1 महीने से, या फिर 1 सप्ताह से उसने ब्लॉक कर रखा है। आप कई मंदिरों में जाके या फिर कई मस्जिदों में जाके या फिर गुरुद्वारे जाके आप उसके लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपने कई तांत्रिकों से या कई ज्योतिषियों से सलाह ले ली है, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है और सब रिजल्ट फेल हो गए हैं। ठीक है, मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा हूँ। कल एक पर्सन का मेरे पास अपॉइंटमेंट था, बेचारा कोई रिच फैमिली का नहीं था, मीडियम था। ठीक है, उसने किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लिया जो कि यूट्यूब पे ही है और वो काफ़ी फेमस हैं, उनकी वीडियो भी चलते रहते हैं। उसने वो एक लड़की को जानता भी नहीं है, मतलब ओनली उसने कहीं देखा था और वो ऐसे ही उसका अट्रैक्शन हो गया उस लड़की के प्रति, वो प्रेम सा करने लगा, ना कि कभी जीवन में उस लड़की से उसने बात की। और 3 साल से वो ऐसा ही कर रहा था और कई लोगों से पूछता है कि वो लड़की है हम उससे, वो मुझे प्यार करती या नहीं करती। अब वो लड़की इसको जानती भी नहीं है भैया, और वो पता क्या बोल रहे हैं वो ज्योतिषी, बोले वो प्यार करती है तुम्हें, ये कंडीशन है। मतलब इतना झूठ बोल रहे हैं लोग, कितनी गलत बात है भाई। ऐसे भी अपने मन को मत बहलाओ, और ऐसे ही बहलाना हो तो दुनिया में लग के ज्योतिषी पढ़ें और उसकी हकीकत जानना हो कि आपके पार्टनर क्यों छोड़ के गए हैं और कब तक वापसी करेंगे, तब आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और सत्यता सुनना हो तभी कॉल या मैसेज करना, रियलिटी जानना हो, अन्यथा मत करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो कि हम और लोगों की तरह मन बहलाने के लिए बोल दें कि आपका पार्टनर इतने दिन तक आ जाएगा और योग नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर योग है तो हम आपको उपाय भी बता देंगे, इतने दिन में आ जाएगा और 100% आ भी जाएगा, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अभी से लेके 15 अगस्त तक आपका समय कैसा रहने वाला है, हम यहाँ पर ऐसी आपको 4 राशियाँ बता रहे हैं जिनके यक्स पार्टनर वापसी करने वाले हैं, इनका अपने पुराने प्यार से संपर्क होने वाला है। देखो, यहाँ हम जो जानकारी देते हैं ना, ये गोचर के अनुसार देते हैं, और रियलिटी जानने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवाना चाहिए, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपकी आपके पार्टनर की फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वहाँ आपको प्रोसीजर मिल जाएगा हमारा। आपको प्रोसीजर पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप आपके पास है, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप हमारे पास है। ठीक है ना, चलिएगा हम मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर आप मेष राशि के पर्सन हैं तो आप बड़े खुश नसीब इंसान होंगे अभी से लेके 15 अगस्त तक, क्योंकि आपके ग्रहों की अगर हम स्थिति देखें तो बड़ी प्रबल हो रही है। आपका पार्टनर रोके और आपसे माफ़ी मांगेगा कि वो गलत तरीके से या किसी के बहकावे में आके या थर्ड पार्टी के कहने में आके या गुस्सा में वो चला गया था, लेकिन उसने ये बहुत बड़ी गलती की थी, अब वो कभी नहीं जाएगा, ऐसा रोके वो वापस आएगा अगर आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं हुआ तब। ठीक है, बशर्ते कुछ राशियों के पार्टनर आएंगे, सभी राशियों के हम नहीं कहेंगे। अगर कोई छोड़ के आपको गया था वृषभ राशि का तो वो वापसी करने वाला है, अगर कोई छोड़ के गया था आपको सिंह राशि का तो वो वापसी कर लेगा, अगर कोई धनु का छोड़ के गया था तो वो वापसी करेगा, अगर कोई मीन राशि का छोड़ के गया था तो ये वापसी करेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरी राशि जिनकी लव लाइफ में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप कन्या राशि के पर्सन हैं तो आप भी हैप्पी हो जाइए, आपके भी गोचर हैं भैया स्थिति बड़ी प्रबल बन रही है, आपके भी पार्टनर से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे उनसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा और आप वह आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। अगर कोई छोड़ के गया था आपको, किसी भी राशि का क्यों ना रहे, चाहे 10 साल पहले गया हो, चाहे 2 साल पहले गया हो, वो वापसी कर लेगा किसी भी राशि का क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कन्या राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बात कर लेते हैं तीसरी राशि, जिस राशि को आप और हम धनु राशि बोलते हैं। आप भी प्रसन्न हो जाइए क्योंकि आपकी भी कुंडली में एक्स पार्टनर वापसी का योग बन रहा है गोचर में। अगर आपकी कुंडली में अंतरसा प्रत्यंतरसा शुभ ग्रह की चल रही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है इन राशियों के अगर पार्टनर रहे तब। कोई छोड़ के गया था मेष राशि का व्यक्ति तो वो वापसी कर लेगा, अगर कोई छोड़ के गया था आपको धनु राशि का तो वो वापसी कर लेगा, अगर कोई छोड़ के गया था आपको कर्क राशि का तो वो वापसी कर लेगा, अगर कोई छोड़ के गया था मकर राशि का तो वो वापसी कर लेगा, अगर कोई छोड़ के गया था तुला राशि का व्यक्ति तो वो भी वापसी करने वाला है।
ऐसी वापसी नहीं करेगा, पूर्ण शिद्दत से करेगा और अब बे इंतहा आपसे पुनः प्यार करने लग जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं चौथी राशि, जिनके पार्टनर तो वापसी करेंगे लेकिन ये ऑन ऑफ फिर से करेंगे, आएंगे किसी स्वागत से आएंगे, अगर आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो ये स्थिति होने वाली है, तो आप सोच समझ के उनको अपनी लाइफ में स्थान देना। ठीक है, लेकिन अगर कोई मेष राशि का व्यक्ति आ रहा है तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, उससे आप जो है दे सकते हो, और राशियों के अगर आएंगे तो वो ऑन ऑफ करेंगे और किसी स्वार्थ से आएंगे। ठीक है, तो आप स्वयं समझदार हो, अपना थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कीजिए। कुंभ राशि वाले मैं जानता हूँ सरल स्वभाव के होते हैं, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, इमोशनल होते हो आप लोग, लेकिन भैया कब तक ऐसे भावुक बने रहोगे कि कोई भी व्यक्ति आके आपके साथ खेल के चला जाए, है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित करो, है ना। हम आपको यही सलाह देंगे, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी देंगे, कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल ना करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री